और मुझे एक कमेंट पे सुसाइड करने का ख्याल आया था दोस्तों। सब बढ़िया क्या? इधर भी मस्त है यार। ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल हमारे क्लास 12th के रिज़ल्ट आए थे और मैंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया था। ठीक है, अब क्यों नहीं किया था मैं आपको आगे के वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 रिज़ल्ट के बारे में ही है कि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, किसी ने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने डिमोटिवेट किया, क्या मुझे सुसाइड का भी ख्याल आया था, मतलब इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को फुल देखिएगा। और हाँ, जिस भी मेरे व्यूअर को 90% के अबव आया है, ठीक है, वो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो। ठीक है, क्योंकि नहीं, ऐड देख लेना, ऐड देख लेना, पैसे मिलेंगे मुझे, उसके बाद आप पॉज कर देना वीडियो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा लगे। ठीक है, और पता नहीं साला सामने का बिल्डिंग में क्या चलते रहते हैं यार भाई, रोज़ रोज़ बिल्डिंग बनाता है, रोज़ तोड़ देता है, फिर उसको बनाता है, भाई इतना हल्ला होता है, भाई इतने पैसे आते कहाँ से इनके पास। और अभी मैं अपने छत पर आऊँ इसलिए थोड़ा सा हल्ला हो रहा है, क्योंकि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या कुछ होता है तो मैं छत, गजब हरामी है भाई, जब भी होता है तो मैं अपनी छत पर आ जाता हूँ, थोड़ा शांति मिलता है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा हल्ला हो रहा था। ठीक है, तो कल की कहानी मैं बताता हूँ कि कल 2 बजे रिज़ल्ट आया तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ मैं अच्छा स्कोर करूँगा, मतलब 85% के अबव जाने वाला, क्योंकि क्लास 10th बहुत अच्छा गया था मेरा, क्लास 11th भी अच्छा गया था और 12th भी अच्छा गया था। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ ऑल ओवर जब परसेंटेज निकाला तो मुझे लगा कि हाँ 85 के तो अबव आना चाहिए। ठीक है, तो मैं भी खुश था और मैंने भैया को बोल के रखा था हाँ आएगा तो आप रिएक्शन वीडियो बनाना मेरा। ठीक है, तो मैं लैपटॉप में गया, साइट पर गया, अपना रोल नंबर सब टाइप किया और जैसे रिजल्ट मारा तो सब भाई बहुत ख़राब ख़राब रिज़ल्ट दिख रहा था, मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने नाम चेक किया, ये तो मैं ही हूँ, इतना ख़राब रिज़ल्ट, तो मेरा मूड ऑफ हो गया पूरा। लेकिन उसी में उन्होंने वीडियो निकाल लिया था। ठीक है, तो टोटल जब मैंने परसेंटेज निकाला तो 78% आ रहे थे। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं बहुत उदास। ठीक है, अब पेरेंट्स को, पेरेंट्स मतलब पापा काम पे गए थे और मम्मी घर पे थी, तो मम्मी को बताया तो मम्मी उदास हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे डीमोटिवेट कर दिया मम्मी ने, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा था मेरे चेहरे से कि मैं खुद इतना उदास हूँ, अगर मम्मी भी बोल देती तो और उदास हो जाता, तो इसलिए मम्मी ने कुछ नहीं बोला। पापा को फ़ोन किया, बताया तो पापा खुश थे, 78%, अरे वाह वाह वाह। लेकिन अंदर से उन्हें भी लग रहा हुआ कि थोड़ा और वो मतलब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैंने उन्हें निराश तो कहीं ना कहीं किया ही है ज़रूर। लेकिन मज़ा तब आया कि मेरे जो सामने वाला जो बंदा था, मतलब वो भी 12th का एग्ज़ाम दे रहा था। ठीक है, और उसने क्लास 11th पूरा फेल किया था, 10th में भी बहुत खास नहीं लाया था, 65% था या 70 ऐसे कुछ था उसका। ठीक है, और 12th में तो सब में रिटेस्ट था उसका, तो उसको आ गए 93%। समझ रहे, उसे आ गए 93% और वो उछल रहा है, कूद रहा है, मेरे आए थे 78%। मतलब आप खुद समझो, वो इतना मतलब 11th में 12th में फेल होके भी 93% ला रहा है और मैं पास होके भी 78% ला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अपनी नज़रों से गिरते हुए देख रहा था। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है यार, मतलब क्यों हो रहा है। और फिर मैंने जब इस चीज़ को सर्च किया तो तो जब इस चीज़ को सर्च किया तो पता चला कि भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90+ आने चाहिए या 85+ आने चाहिए, उन्हें 60s में दे दिया गया है। मुझे तो लगा रहा यार फिर तो मेरा मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया है। ठीक है, तो मेरे मम्मी पापा बहुत चिल है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए और इतना अच्छा भैया दिया है जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। कल मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, गॉड प्रॉमिस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने बोला कि देखो जब तुमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो फिर रिज़ल्ट की फिक्र क्यों करते हो, अगर देते तो वो अलग चीज़ होता, दिया ही नहीं है तो फिर रिजल्ट्स का कोई मायने ऐसा रखता नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके मुझे मोटिवेट किया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स को लगता है कि उसके उनके मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना वीक हार्टेड है, मतलब हो सकता है कोई गलत कदम उठा ले ऐसा करके। तो मेरी मम्मी पापा को लगा कि हाँ हो सकता है कि, क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा मतलब सैड था, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कि मैं कोई गलत कदम उठा लूँ, तो इसके लिए मतलब उसके लिए उन्होंने घर पे पार्टी एक अरेंज की। ठीक है, केक लाया, मुझसे केक कटवाया और बोला कि जितना भी स्कोर किया है बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा कोई भी परेशान मत होना। ठीक है, मैं कुछ और बोलने वाला था अभी। ठीक है, तो कभी परेशान मत होना, हम दोनों, हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता नहीं है, लेकिन पता नहीं कल क्या था तो समझ रहे हो, आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। ठीक है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे सिंपैथी लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों से, क्योंकि मेरे घर में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि वो मेरा सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा, यार इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ से मुझे सबसे डर लग रहा था, वो था न्यूज़पेपर कि देखो मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ एक जगह पे, थोड़ा बोर मत होना यार। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।
तो क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ से बहुत डर लगता है, वो है सुबह के न्यूज़पेपर से जब भी रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ मतलब जो 90% के अबव है ठीक है, उनकी फ़ोटोज़ आती है भाई, क्लियर फोटोज़ आते हैं ठीक है। तो उसे देख के कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ख़राब लगता है, कह रहे मेरा बच्चा भी वहाँ पर हो सकता था ठीक है, तो उन्हें ख़राब लगता है। तो मुझे लगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि सुबह को पेपर दे के जाए, मम्मी पापा देखे और फिर मुझे डांटे। तो इस प्लान को मैं मतलब डिफ्यूज़ करने के लिए, इस प्लान को डिफ्यूज़ करने के लिए मैंने सोचा, क्योंकि पेपर वाला आता है सुबह के 6 बजे ठीक है, तो मुझे मैंने सोचा कि 5:45 बजे उठता हूँ, उससे पेपर लेता हूँ, फाड़ के फेंक देता हूँ ठीक है। कैच पेपर ही नहीं आया, तो जैसे उठा 5:45 में देखता हूँ कि भाई वो 5:30 बजे आके पेपर दे के गया, और मेरे मम्मी पापा 5:30 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। दोस्तों तो मुझे पता चल चुका था कि मेरे पेरेंट्स के हाथों न्यूज़पेपर लग चुका है और वो फ़ोटोज़ देख चुके हैं ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर ओलंपिक्स में टॉन्ट मारने की कोई गेम हो तो इंडियन पेरेंट्स उसमें हर बार गोल्ड मेडल ही लेके आएंगे भाई ठीक है। तो मैं उठा 8 बजे के आसपास उठा ठीक है, वो मतलब बैठे हुए थे उसमें सोफाज़ में, और मैं आया उनके पास ठीक है। उन्होंने अचानक ही भाई अचानक ही इनका बेटा तो 95%, देखो कितनी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, इनका बेटा 93, ओ फोटोज़ तो बहुत अच्छे हैं, कौन स्कूल के हैं वो, उन्हें पता है कि कौन स्कूल के हैं वो, गौरव शायद तुम्हारे स्कूल का है वो, अच्छा स्टूडेंट था इसलिए 93, मतलब ऐसा टॉन्ट मारने लगे। हंसी आ रही थी, बुरा लग रहा था, थोड़ा सैड हो रहा था, थोड़ा अफ्रेड था लेकिन ये सब मैटर तो चल गया भाई ठीक है। तो ये टॉन्ट वाला गेम तो हो गया पूरा, पापा ऑफिस चले गए, मम्मी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल खोल के थोड़ा कमेंट्स पढ़ लिया जाए कि किसने क्या कमेंट किया है जो मैंने रिएक्शन वीडियो डाला था ठीक है। तो उसमें जनरली जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो मुझसे रिलेट कर रहे थे कि भाई देखो 10th में मैंने 92 स्कोर किया था, लेकिन अब मैं 60s में आ चुका हूं, 68 स्कोर किया है, 10th में मैंने 88 किया था, और अभी 12th में मैं 72 पे हूं, मतलब ऐसे ऐसे मतलब बता रहे थे मुझे ठीक है। मुझे लगा हाँ हो सकता है सच्चाई कह रहा है, लेकिन एक कमेंट जो था मुझे लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है। उसने कहा कि भाई देखो मैंने 10th में 93 स्कोर किया था, और अभी जो 12th में 86 स्कोर किया है ठीक है, मैं क्लास टॉपर था, लेकिन जो मेरे थर्ड रैंक पे थी, मतलब जो मेरे क्लास में जो थर्ड टॉपर थी, वो मुझसे आगे निकल गई है, उसने 93 अबव स्कोर किया है, क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी थी, मतलब ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मुझे एक कमेंट पे सुसाइड करने का ख्याल आया था दोस्तों, ये कमेंट आपके सामने है क्योंकि इसने स्पेलिंग में सुसाइड लिख दिया, बाप रे बाप, इतना हंसी आया ना भाई ये कमेंट पढ़ के, मैं सही में कूद जा बिल्डिंग से भाई साहब, बोले सुसाइड मत करना बे और इस तरह मेरी ये जो क्लास 12 की जर्नी थी ख़त्म हो गई, थोड़ा सा पंगा हुआ टीचर्स को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे नंबर कम, तुम्हारे नंबर कम है, तो एग्ज़ाम दे दो फिर से। लेकिन हमने तो क्लास 12 में ही एग्ज़ाम का पढ़ाई करना छोड़ दिया था, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लग गए थे, ये उन्हें पता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे अरे कोई नहीं यार, अतः 12th स्टूडेंट ये साल अच्छा सही में नहीं गया, कोविड का सिचुएशन के कारण और ये रिजल्ट के सिचुएशन के कारण भी हम इंजॉय ना कर पाए, ना फेयरवेल हुआ हमारे साथ, और रिजल्ट में भी हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ, कोई नहीं यार। लेकिन हाँ मैंने सुना कि बहुत स्टूडेंट्स को है जो 93 अबव आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आए हैं ठीक है, तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, और कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा कि थैंक यू, मैं क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 90+ स्कोर किया है ठीक है, समझ रहे हो। चलो यार बहुत दुख बांट लिया, अब थोड़ा खुशी बांटने का टाइम आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ, और बड़ा वीडियो है ठीक है, और स्कूल लाइफ के ऊपर ही है वीडियो, तो उसे प्यार बहुत देना यार ठीक है, क्योंकि लिखा बहुत ज़ोरदार है मैंने, और जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी बहुत ज़ोरदार होने वाला है, हंसना तो पक्का है आपका ठीक है, और हंसाते रहूँगा मैं आपको ऐसे ही ठीक है, आप बस साथ देते रहना मेरा। सोचा कि इस जो दुख को आपके साथ भी बांटूं, मैं हर समय बांटता हूँ जो भी मेरे साथ होता है आपके साथ, क्योंकि मैं आपको एक अपने फैमिली के मेम्बर्स के जैसा ही मानता हूँ ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, थैंक यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव यू गाइज़।